हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो नोबिया अपने न्यू फ्लैगशिप फ़ोन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका नाम रेड मैजिक 7 है, जो कि जल्द ही चाइना में लॉन्च होने वाला है। और कंपनी के रिसेंट पोस्ट से ये पता लगा है कि इस फ़ोन पे स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 की प्रोसेसर लगी होगी, और साथ ही अलग से एक और चिप लगाई जाएगी जो कि गेमिंग फोकस चिपसेट होगी, जिससे कि गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतरीन होने वाला है, जिसमें एनहेंस साउंड, वाइब्रेशन और बेटर टेक्टाइल फीडबैक देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नोबिया रेड मैजिक 7 की स्पेसिफिकेशन, इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करें तो रूमर्स से पता चला है कि नोबिया रेड मैजिक 7 में सामने की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें कि राउंड कॉर्नर होगी, स्लिम बेजल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा, और पीछे की तरफ ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले में 6.8 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन OLED डिस्प्ले लगी होगी, जिसपे 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ हाई टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलेगा। और ये फोन हमें चार कलर में देखने को मिल सकता है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर में अवेलेबल होगी। और इस फोन के कैमरा की बात करें तो नोबिया रेड मैजिक 7 में पहले से कहा गया था कि इस पे ट्रिपल रेयर कैमरा मॉड्यूल होगी, जिसकी मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल होगी विद फ्लैश, और बाकी दो कैमरा की अभी तक कोई भी रूमर या लीक्स नहीं आई है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस हैंडसेट पे 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जाएगा। तो चलिए अब परफॉर्मेंस और स्टोरेज की बात किया जाए तो रेड मैजिक 7 में स्नैपड्रैगन 8 जिन की प्रोसेसर लगी होगी, और साथ ही एक गेमिंग सेंट्रिक चिपसेट भी लगी होगी, जो कि 16GB LPDDR5 की रैम और 512GB की UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ इक्विप्ड होगी। और इस फोन में हमें एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट रेड मैजिक की यूजर इंटरफेस बेस्ड होगी। और इस फोन को 4500mAh की बैटरी से पैक किया जाएगा, जो कि 135 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी, और कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ, वाईफाई, 5G जैसे सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तक नोबिया की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है कि ये फोन इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा, बट चाइना में जल्दी ही इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है, और उसी के बाद पता चलेगा कि नोबिया रेड मैजिक 7 इंडिया में कब लॉन्च हो सकती है। और प्राइस की बात करें तो इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये फोन की स्टार्टिंग प्राइस 50,000 के अराउंड होने वाली है। तो बस गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। पीस out.